फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में अस टाइप 4 के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने एक कोन है जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करनी है और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। उसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वो कोन सबसे बड़ी होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए। कैसे निकालना है आपने इसके लिए? तो आप क्या करोगे, एक स्फीयर बनाओगे, ऐसे ड्राई स्फीयर, ठीक है। अब इसके स्फीयर का सेंटर होगा यहां पे ओ, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब यहां पे मैं एक कोन बनाता हूं, ऐसे कोन ड्रॉ किया यहां पे मैंने इस स्फीयर के अंदर, या और ये जो लाइन है ये स्फीयर के सेंटर से पास करे, दैट इज ओ। ये कोन है, इसको नाम दे दो आप ए बी सी और इसको देते हैं डी। अब ए डी क्या चीज है, हाइट ऑफ द कोन है, ठीक है, और डी सी क्या है, रेडियस ऑफ द कोन है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अगर मैं इस सेंटर को यहां पे ज्वाइन करूं बी के साथ और इसको मैं ज्वाइन करूं सी के साथ, दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें दिया हुआ है, गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हमें आर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, ये ओ ए इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्फीयर, ओ बी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्फीयर, ओ सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्फीयर। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, मान के चलते ये हमें दिया हुआ है आर रेडियस ऑफ स्फीयर, आर रेडियस ऑफ स्फीयर। हम रेडियस ऑफ कोन लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या है, डीसी के बराबर, और डीसी को मैं कलेक्ट कर लेता हूं स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द कोन। एंड ये क्या है आपके पास, ओ डी, ये हमें नहीं पता कितना, इसको मैं मान लेता हूं ओ डी एक्स के बराबर मान लिया। लेट ओडी इज इक्वल टू एक्स। अब हम देखें कि हाइट ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर है, सॉरी कोन, हाइट ऑफ कोन, कितनी हाइट ऑफ द कोन, दैट इज ए डी, ए डी क्या होगा, एओ प्लस ओडी, दैट इज आर प्लस एक्स, ये हाइट ऑफ द कोन आ गई। तो हमने यहां से स्फीयर के अकॉर्डिंग सारे कोन की हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी, इसका रेडियस क्या होगा और हाइट क्या होगी। अब यहां से मैं ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ डी सी, ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं मैं ओ डी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है आपके पास, ओ डी का स्क्वेयर प्लस पेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस डी सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। तो मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां से मैंने एक्स या आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आर की टर्म में या आर की वैल्यू एक्स की टर्म में निकालनी है, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे हम निकालेंगे इसको आर स्क्वायर को वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आर एंड एक्स के फॉर्म में। तो ये हमने इस रिलेशन से ट्राइंगल ओडीसी से निकाल लिया। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको वी से डिनोट करता हूं, तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h हाइट ऑफ द कोन। अब यहां पे 1/3 πr² की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स हाइट ऑफ द कोन भी हमें पता है यहां पे, दैट इज आर प्लस एक्स, दैट इज आर प्लस एक्स। अब यहां से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, पहले हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं।
फाइव ओवर थ्री, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपके पास क्या आ गया आर प्लस एक्स आर माइनस एक्स, तो बी कितना आ गया आपके पास फाइव ओवर थ्री इंटू आर माइनस एक्स का हो आर माइनस एक्स प्लस इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास ये चीज आ गई। अब हमें पता है कि ये लार्जेस्ट वॉल्यूम शो करने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसकी फॉर्म में, क्योंकि आर तो गिवन आपके पास दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो एक्स की फॉर्म में ली है वैल्यू हमने, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अगर हमने यहां पे आर की वैल्यू नहीं पुट की होती एक्स की फॉर्म में होता है आर की फॉर्म में होता तो हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करना था, लेकिन एक्स की फॉर्म में तो इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दैट इज डीवी अपॉन डीएक्स। क्या आएगा आपके पास फाइव बाई थ्री कॉन्स्टेंट, और इसको हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड क्या आएगा टू इंटू आर प्लस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे तो क्या आएगी आर की जीरो और एक्स की माइनस वन। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दैट इज आर प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया पहले से क्या बचा टू आर माइनस टू एक्स, और सेकेंड से क्या बचा माइनस आर माइनस एक्स, तो आपके पास क्या आ गया ये पाई ओवर थ्री आर प्लस एक्स इंटू टू आर माइनस थ्री एक्स, तो डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास ये चीज आ गया वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो हम कैसे करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम जीरो से कंपेयर करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या होता है जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है पाई ओवर थ्री इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, आइदर आर इक्वल टू माइनस एक्स और आर इज इक्वल टू थ्री एक्स, आर इक्वल टू माइनस एक्स तो हो नहीं सकता है नेगेटिव में, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो हमने यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, एक रिजेक्ट हो गया तो एक वैल्यू आ गई आर इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब हमारे पास आर की वैल्यू थ्री एक्स आ गई, अब ये ऑलरेडी हमें पता है ये रिलेशन पता है वॉल्यूम ए और डीवी अपॉन डीएक्स, अब हम ये यहां पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इस पॉइंट पे वो हमें कैसे करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वेयर बी अपॉन डी एक्स क्या जाएगा आपके पास पाई बाई थ्री एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, आपके पास क्या आ गया डी स्क्वेयर बी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई ओवर थ्री माइनस थ्री आर माइनस थ्री एक्स प्लस आर माइनस थ्री एक्स, तो डी स्क्वेयर बी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर पाई ओवर थ्री क्या आ गया आपके पास माइनस टू आर माइनस सिक्स एक्स। अब डी स्क्वेयर बी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, अब जब वैल्यू आर की कितनी है वैल्यू थ्री एक्स है, जब एक्स की वैल्यू आर वाई थ्री है, एक ही बात है जब एक्स की वैल्यू आर वाई थ्री है तो यहां पे देखते हैं क्या आता है फाइव बाई थ्री माइनस टू आर, और यहां पे आर वाई थ्री पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस टू आर, तो ये कितना आएगा माइनस फोर आर पाई ओवर थ्री, और ये चीज क्या शो कर रही है लेस देन जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव जो लेस देन जीरो आता है तो मतलब क्या है वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा जब एक्स की वैल्यू आर बाई थ्री होगी, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम हम लिखेंगे इधर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर ओवर थ्री, जब एक्स की वैल्यू आर ओवर थ्री आएगी मतलब ये आएगी। अब हमने मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे जो एक्स की वैल्यू है वॉल्यूम में यहां पे एक्स की जगह पुट कर देंगे एंड यू गॉट द मैक्सिमम वॉल्यूम,
तो इसमें पुट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब हमें बोला कि मैक्सिम फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें पता है किसके बराबर है, पाई ओवर थ्री आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस सॉरी आर माइनस एक्स एंड आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, दैट इज r माइनस r ओवर थ्री r प्लस r ओवर थ्री का स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना आता है, पाई ओवर थ्री एलसीएम सॉल्व किया टू आर ओवर थ्री आ गया, फोर आर ओवर थ्री का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई ओवर थ्री इंटू टू आर ओवर थ्री इंटू सिक्सटीन आर स्क्वायर ओवर नाइन। तो वॉल्यूम कितना आ गया, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू ओवर एटी वन पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, इतना आएगा आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करके ऐसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी, सिमिलरली प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, पहले कोन था अब कोन की जगह क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। वहां पे वॉल्यूम पूछा हुआ था लेकिन यहाँ पे कुछ और शो करने के लिए बोला है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर की बात कर रहा है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, और वो एक स्फीयर में इंस्क्राइब किया हुआ है जिसका रेडियस आर है, ऑफ रेडियस आर इज, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर है, टू आर ओवर स्क्वायर रूट थ्री, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम मैक्सिमम आता है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपने, इस तरीके में आपने एक स्फीयर बनाओगे ऐसे करके, इसके बीच में एक सिलेंडर बनाओगे ऐसे ऐसे, और ये बिल्कुल सिलेंडर जो होगा सेंटर में होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम का निकालोगे बिल्कुल सेंटर में ऐसे ऐसे। अब यहां से जो लाइन पास कर रही है ये एक्सिस, ये बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करेगी, जितना पोर्शन स्फीयर का ऊपर लाई करेगा, इस सिलेंडर का ऊपर लाई करेगा उतना ये पोर्शन इसका नीचे लाई करेगा, इसको ओ मान। अब बाकी चीजों को मैं इसको यहां पे ज्वाइन हो रहा है, इसको ए मान लिया, इसको बी, ये सी, ये डी, ये ई, और यहां पे ये एफ, ठीक है, ये पॉइंट्स मान। तो जितना एडी है उतना ही ईएफ है उतना ही बीसी है, मतलब ये दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर है आपके पास, और ये जो चीज है दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर से जितनी दूरी पे यहां से ये चीज आएगी उतनी दूरी पे यहां से ये चीज होगी। तो ये क्या है, आर दिया हुआ है रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर आ रहा है आपके पास। अब जितना ओ ई होगा उतना ही ओ एफ होगा, मतलब दोनों की हाइट बराबर होगी। पहले आप देख लो रेडियस ऑफ द जो दिया हुआ चीज स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर दिया हुआ है, आर के बराबर। अब बाकी हम लेट करते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आ रही है, ई एफ मान लेते हैं, ई एफ हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस टोटल हाइट को अगर मैं 2x मान लेता हूं, ये x यहां से और एक x यहां से, मतलब ये किसके बराबर है, ओ एफ प्लस ओ ई, दोनों को ऐड करो तो वो 2x के बराबर है, ओ एफ भी x के बराबर है और ओ ई भी x के बराबर है, तो टोटल हाइट इज 2x। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी मानते हैं, तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको स्मॉल आ रहे लो ई सी, ई सी दैट इज स्मॉल। अब हमारे पास इन ट्राइंगल ओ ई सी लेते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं ओ ई सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है किसके बराबर होगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर।
अब यहां से मैं एक की वैल्यू निकालता हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इन राइट एंगल ट्रायंगल ओईसी से। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम वी से डिनोट करते हैं, तो हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पे वी इक्वल टू पाई एज इट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, पुट कर देंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच हाइट ऑफ द सिलेंडर भी पता हमें किसके बराबर आ रहे हैं, टू एक्स के। तो वॉल्यूम इसके बराबर आ गया हमारे पास 2 पाई इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। तो आर को रेडियस ऑफ द स्क्वायर गिवन है आपके पास एंड दिस इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डीवी अपॉन डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसको एक्स से मल्टीप्लाई, यहां एक्स रहेगा, ये एक्स यहां पे भी लगेगा, आर स्क्वायर एक्स आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म एज इट इज एंड एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, और एक्स क्यूब की करोगे तो क्या आएगा 3x। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं आप, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला दैट शुड बी 0। तो क्या आएगा आपके पास, डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डीवी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया आपके पास। तो ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सिर्फ अगर ये चीज 0। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर निकालू तो क्या आ गया 3x। अब x की वैल्यू यहां से निकालू तो क्या आएगी, r ओवर स्क्वायर रूट 3। x की वैल्यू हमारे पास r ओवर स्क्वायर रूट 3 है। अब हमें ये देखना है कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम शो करता है यहां पे कि नहीं करता है, तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या है। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं है इस पॉइंट पे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ गया, डी स्क्वेयर बी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो क्या आएगा, 2 पाई आर इज अ कॉन्स्टेंट 0 एंड माइनस 6x। अब सेकेंड डेरिवेटिव को हम चेक करेंगे इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू आर ओवर स्क्वेयर रूट 3। तो माइनस 12 पाई इंटू एक्स की जगह आर की वैल्यू पुट कर, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो यह है। और ये चीज क्या शो कर रही है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज लेस देन 0, उसका मतलब है वॉल्यूम इज मैक्सिमम। लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू आर ओवर स्क्वायर रूट। तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम ने शो कर दिया इस पॉइंट पर। लेकिन आपको पूछा गया शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें पता है किसके बराबर है, 2x के बराबर, ये हाइट है x प्लस x, 2x का टोटल हाइट। तो x की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज 2 इंटू एक्स, तो ये आ गई। तो हमने शो क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 आर ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये चीज हमने शो करनी थी। अगर रेडियस पूछा होता हमें, हमें रेडियस भी पूछा है, शो दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होता तो हमने रेडियस के फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू पुट करके अब वैल्यू निकाल सकते। जैसे रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको पूछा होता तो आपने क्या करना था, रेडियस ऑफ सिलेंडर के लिए आपके पास फॉर्मूला है आर स्क्वायर, किसके द्वारा निकाला था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आना था आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर। और एक्स की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर 3। लिया सॉल्व किया 2 आर स्क्वायर ओवर 3, स्क्वायर रूट 2 आर ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अगर रेडियस की बात हो रही होती तो उसका रेडियस क्या होना था, स्क्वायर रूट 2 आर ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से डील करके इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इनको ऐसे करेंगे आप तो ये किसी भी स्फीयर में
कोन होती है इंस्क्राइब्ड या सिलेंडर होता है इंस्क्राइब्ड। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ही चेंजेस हो सकती है, कोन होगी तो कुछ और पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन करने का मेथड ऐसे ही होगा। इसके अंदर स्फीयर के अंदर कोन बनाई होती है तो करना वैसे ही है, लेकिन थोड़ी बहुत ही चेंजेस हो सकती है। रेडियस पूछा जा सकता है, सिलेंडर पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, या वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन की नेचर पे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।